पर्यावरण बचाओ को लेकर विभिन्न स्कूलों ने मतदाताओं से अपील की, वोट उसी को दे जो पर्यावरण की रक्षा की बातें करे। पर्यावरण को कैसे बचाएं, आज यहां पे दिल्ली की सड़कों पर 38 स्कूलों के तत्वाधान में 8 स्कूल यहां पे उतर आए हैं कि ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली, पर्यावरण को बचाने के लिए अब बच्चों ने मुहिम छेड़ ली है। आइए हम सीधे बात करते हैं बच्चों से। हम सारे लोग यहाँ पर स्कूल स्ट्राइक करने आए हैं। हम लोगों ने अपना स्कूल स्किप करके यहाँ पे क्लाइमेट के ऊपर आवाज़ उठाने आए हैं, ताकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो देख सके कि क्लाइमेट कितना इंपॉर्टेंट है। अभी सारे लोग इलेक्शन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो अभी क्लाइमेट के ऊपर भी ध्यान दे कि हम लोग कैसे जी रहे हैं, हमारे पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट का। यहाँ पर बच्चों को इकट्ठा करा है ताकि ये सब एक जैसे प्लेज लें, वचन लें कि सब मिलके पर्यावरण की रक्षा करें। सो दे आर ऑल हेयर फॉर क्लाइमेट चेंज। नेताओं को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ अपनी तरफ से, सब सिटीजन्स और बच्चों की तरफ से, कि अब जागिए, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, अब बिल्कुल बात जो है पानी जो है सर के ऊपर से निकल गया। वोट उसी को दो जो पर्यावरण का काम करेगा, इलेक्शन में वही जीते जो एनवायरमेंट पे काम करेगा। यहाँ पर आई थिंक हम लोग एक फर्स्ट स्टेप लेने आए हैं जो आज तक किसी ने नहीं लिया, और हम चाहते हैं कि वो स्टेप हमसे शुरू हो। तो जनता पहले आवाज़ उठाए तो गवर्नमेंट को ईजी होगा काम करने के लिए। आई थिंक हम लोग इन्वायरमेंट को बचा नहीं सकते, हम पे इतना टाइम नहीं है, लेकिन स्टिल हम लोग बहुत सारी जिंदगियां बचा सकते हैं इन्वायरमेंट को सही करके। ये कैंपेन पूरे 13 साल से चल रही है और ये इस देश में बच्चों के हित के लिए चल रही है, ताकि चाइल्ड राइट्स के लिए चल रही है। और आज ये बच्चे सब अपना स्कूल छोड़ करके यहाँ पर बैठे इसलिए आए हैं क्योंकि आप जानते हैं पार्लियामेंट यहाँ से कितना क्लोज है। ये बताने आए हैं कि अपने पॉलिटिशियंस को ये बताने हैं कि हमारी भी आवाज़ सुने, ये वोट नहीं दे सकते हैं पर ये भी जानते हैं कि पर्यावरण में कितना ज़्यादा अभी ज़रूरत है कि पॉलिटिशियंस इस चीज़ पर एक्ट करें, कुछ इसके ऊपर लॉ आए, कुछ पॉलिसी आए, ताकि इस चीज़ को बदला जाए। क्योंकि क्लाइमेट एक्शन आप देख रहे हैं, अभी 42 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है और हम सबको बस एक ही पेड़ की छांव बचा रही है। ये एक सिंबॉलिक है इस चीज़ की वजह से, और सारे बच्चे यहाँ इस चीज़ को बताने के लिए अपना सब स्कूल छोड़ करके यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि लोगों ने क्लाइमेट को बिल्कुल निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया है और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और इससे यह साबित होता है कि पानी सर के ऊपर से निकल रहा है और हमें कुछ करना चाहिए। तो आज मैं अपने स्कूल से एक डांस, मेरे पूरे ग्रुप ने एक डांस करा था जिसमें हमने अलग अलग प्रकार से दिखाया था कि क्लाइमेट में क्या क्या हो रहा है और हम उसे कैसे कैसे ख़राब कर रहे हैं। तो हमने अपने डांस के थ्रू यही संदेश दिया था कि कैसे इसे सुधारा जाए और लोग इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। बच्चे पूरे देश भर से ये अभियान चलाते हैं, दिल्ली में सिर्फ दिल्ली में 36 स्कूल्स जुड़े हैं, मगर पूरा देश भर अलग अलग NGO स्कूल्स भी इस अभियान को चलाते हैं और बच्चे कुछ चलाते हैं। वैसे तो हम शुरुआत में जब हम 2009 में शुरू चार में शुरू किया था, उस टाइम 9 is Mine नाम का कैंपेन शुरू किया था। उस टाइम में हमारा UPA 1 जो सरकार थी, उन्होंने एक वादा किया था कि 6% और 3% शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए देंगे। तो वो वादा जो है वो बच्चे के जीवन पर असर पड़ता है, तो इसलिए वो उस मांग के लिए पुकार रहे कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। मगर अभी वो मांग तो बढ़ गई है, क्योंकि अगर इस धरती नहीं होगी और पृथ्वी नहीं होगी तो उनका जो शिक्षा और स्वास्थ्य का मांग कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए बोल रहे कि अभी हेल्थ और शिक्षा के साथ अर्थ का राइट्स के पर भी ध्यान देना है। देश भर में पर्यावरण बचाओ को लेके अभियान को लेके अभी अभियान दल दिल्ली पहुंचा है, जहां पे 38 स्कूलों का इनको समर्थन मिला हुआ है। बच्चे सड़कों पर उतर के आ गए हैं, वो कहते हैं यदि अपील करते हैं सीधे सीधे कि यदि आपको चुनाव में किसी नेता को जिताना है या वोट जिसको देना है तो उसी को वोट दें जो पर्यावरण को बचाने की बात करता है। अब देखना है सरकार इसको किस तरीके से लेती है। कैमरामैन जतिन गुप्ता के साथ पवन भार्गव, NBC न्यूज हिंदी, दिल्ली। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।